बुधवार को विधानसभा व विधान परिषद में अराजकता का माहौल रहा। अनुच्छेद 370 के मसले पर दोनों सदन पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच लड़ाई का अखाड़ा बन गए। विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों ने माइक तोड़े, फर्नीचर उठाकर फेंका, टेबल पलट दी और कुर्सियां उछाली, कागजात भी फाड़कर लहराए गए। विधानसभा में वन मंत्री लाल सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सदस्यों के बीच हाथापाई की स्थिति पैदा हो गई। मार्शल और संसदीय कार्य मंत्री अब्दुल रहमान वीरी ने बीच बचाव किया। इसी क्रम में विपक्षी सदस्यों ने मार्शलों के साथ भी मारपीट की। चार मार्शल कर्मियों को चोटें आई हैं। विपक्षी सदस्य मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा अनुच्छेद 370 के विरोधियों को राष्ट्र विरोधी कहे जाने पर और स्पीकर द्वारा उस अंश को कार्यवाही से हटाने के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे। वे पूरे मामले पर मुख्यमंत्री का सदन में बयान चाहते थे। हंगामे के कारण बजट सत्र को तय अवधि से 6 दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गए। विधान परिषद में भी विपक्ष मसले पर चर्चा चाहता था। चेयरमैन द्वारा इजाजत नहीं मिलने पर विपक्ष का गुस्सा भड़का। विधान परिषद में कांग्रेस विधायक दल के नेता जुगल किशोर शर्मा ने इस सारे हंगामे के बीच बोलते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदा अनुच्छेद 370 को हटाने की वकालत करने वाली भाजपा को मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्र विरोधी करार दिया गया है। इन सबके बीच विपक्षी सदस्यों ने चेयरमैन के आसन की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते मार्शलों द्वारा उन्हें रोक लिया गया। मार्शलों और उत्तेजित विपक्षी सदस्यों में धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके चलते विधान परिषद में कांग्रेस विधायक दल के नेता जुगल किशोर शर्मा मामूली रूप से घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।